की अलमारी से आ रही थी। क्या है उस पाइप का रहस्य? एना आंटी मुझसे क्या छिपा रही है? कौन है वो बच्चा जिसकी तस्वीर एना आंटी के साथ में है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए दूसरा भाग जरूर देखें। मैं बेड से उठ गया कि तभी उस अलमारी का एक दरवाजा खुल गया और ना चाहते हुए भी मेरी नजर उसके अंदर चली गई। उस अलमारी में वही बच्चा खून से सने हुए हालत में पड़ा हुआ था। उसका सर उसके कंधे पर टूट कर पड़ा था। ये देख मेरी चीख निकल गई और मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां पर दरवाजा ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा यहाँ से कहाँ चला गया? मैं घबराते हुए बोला कि तभी अलमारी से वह बच्चा नीचे फर्श पर गिर गया। पूरे फर्श पर खून बह रहा था। उसने अपनी हलचल बंद कर दी थी। पानी, 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 वो तड़पते हुए बोला, लेकिन मैं फिर भी वैसे ही खड़ा रहा। लेकिन वो फिर से पानी मांगने लगा और मैं पिघल गया और मैं टेबल से पानी की बोतल उठाकर उसके पास चला गया कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ही करते हुए हंसने लगा। ये बस उसकी साजिश थी। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे फर्श पर से घसीटते हुए खिड़की की तरफ ले गया और उसके बाद उसने मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरे माले से सीधा जमीन पर गिर गया। शरीर दर्द कर रहा था, अब मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। उसने भी खिड़की से छलांग मारी और एक बार फिर मेरे सर के बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए उस पाइप के पास ले गया। वही पाइप जो दिन में गायब हो जाता था और रात में दिखाई पड़ता था। उसने मुझे उठाया और उस पाइप में फेंक दिया। मैं चिल्लाते हुए उस पाइप के अंदर गिर रहा था और आखिर में मेरा सर कंकड़ से जा टकरा गया और मेरे सर के भी दो टुकड़े हो गए। मैं जोर से चिल्लाया और मैं नींद से जाग गया। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मैं समझ गया कि ये मेरा सपना था। लेकिन तभी उस बच्चे की रोने की आवाज अलमारी से आने लगी। वो अलमारी हिलने लगी थी। कहीं वो सपना सच ना हो जाए, ये सोचकर मैं चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा। मैं आई बाबा के कमरे में गया और रोने लगा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? वो मुझे मार डालेगा आई, मुझे मार डालेगा। कौन कौन मार डालेगा बेटा? मुझे है ना आंटी से किया हुआ वादा याद था, लेकिन अब मैं इसे घर वालों से नहीं छुपा सकता था क्योंकि मेरी जान पर बनाई थी। आई, आंगन में एक पाइप है जिससे एक सर टूटा खून से सना हुआ बच्चा निकलता था और वो मुझे अपने साथ उस पाइप के अंदर ले जाना चाहता है। मैंने एना आंटी से ये बात कही थी। वो उस बच्चे को जानती हैं क्योंकि उसकी तस्वीर एना आंटी के साथ में है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात किसी को भी बताने से मना किया है। मुझे बचाओ आई, वरना वो छोटा बच्चा मुझे मार डालेगा। ये सुनकर मेरे घर वालों के तो होश ही उड़ गए थे। दूसरे दिन मेरे घर वाले मुझे एना आंटी के घर ले गए और उस पाइप और उस बच्चे के बारे में पूछने लगे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। तब मेरी आई और नानी ने पड़ोसियों से पूछताछ की और उन्होंने जो बताया वो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले हमारे घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें पति पत्नी और उनका 9 साल का एक छोटा सा बच्चा पीटर था। पीटर हर वक्त एना आंटी के घर जाया करता था, लेकिन एक दिन ना जाने कैसे पीटर घर के पीछे वाले आंगन के बोरवेल में गिर गया। वो बोरवेल खराब हो गया था, इसीलिए उस पर एक उल्टा मटका रखकर उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन शायद पीटर ने खेल खेल में उस मटके को हटाया और उसमें झांकते समय उसमें गिर गया। 4 दिन तक सब लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन पीटर कहीं भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद उस बोरवेल से लाश की सड़ी हुई बदबू आने लगी और उसके घर वालों को बोरवेल के पाइप के अंदर पीटर की लाश मिली। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एना बांझ है, इसलिए उसने जादू टोना करके उसे मार दिया और उसकी लाश बोरवेल में फेंक दी। और उसका पति किसी कार एक्सीडेंट में नहीं बल्कि खुद को फांसी लगाकर घर में मर गया था, और शायद उसने ही अपने पति को भी मार डाला था। तब मुझे समझ आया कि क्यों उस बच्चे की तस्वीर एना आंटी के साथ में थी। घर आते ही आई रोने लगी और बाबा से कहने लगी कि हमें अभी के अभी ये घर छोड़ना होगा। बाबा मान गए और ट्रांसपोर्ट लाने के लिए घर से बाहर चले गए। शाम के 8 बज रहे थे। गली से किसी की शादी की बारात निकल रही थी। जोर जोर से डीजे की आवाज आ रही थी। तभी घर की डोरबेल की हल्की सी आवाज आई
मेरी नानी दरवाजा खोलने चली गई। नानी ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजे पे ऐना आंटी खड़ी थी। वो मेरे लिए मिठाई लेकर आई थी, लेकिन नानी उस पर चिल्ला रही थी, निकल जा डायन, खुद के पति को तो तूने छोड़ा नहीं और अब मेरे पोते को मारने पर तुली हुई है, निकल जा यहाँ से। मैंने अपने पति को नहीं मारा, मैं कोई डायन नहीं हूँ। तूने ही मारा है अपने पति को डायन कहीं की, निकल जा यहाँ से। नानी एक बार फिर उन पर चिल्लाते हुए बोली। तब ऐना आंटी ने गुस्से से नानी का गला पकड़ा और गला घोटना शुरू कर दिया। नानी तड़पने लगी, उन्हें छुड़ाने आई उनकी तरफ दौड़ी। वह ऐना आंटी का हाथ नानी के गले से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐना आंटी ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। तब आई ने पास पड़ी मेरी क्रिकेट बैट उठाई और ऐना आंटी के सर में गिर मारी। तब ऐना आंटी जमीन पर चिल्लाते हुए गिर गई। नानी भी बेहोश होकर जमीन पर फिर गिर गई। आई उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं दूर से उन्हें देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि ऐना आंटी उठ गई थी और उनके हाथ में मेरी बैट थी। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आई पीछे देखो, मैं जोर से चिल्लाया कि तभी ऐना आंटी ने बैट से आई के सर में हमला किया और ना रुकते हुए वो हमला करती रही। आई मैं जोर से चिल्लाया, तब ऐना आंटी ने मेरी तरफ देखा। वो गुस्सैल आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। तूने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तूने वादा तोड़ा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी तूने वादा तोड़ा। इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता, तुझे जीने का कोई हक नहीं, उन्होंने मुझसे कहा और वो भागते हुए मेरी तरफ आई। मैं खौफ के मारे उसी जगह खड़ा रहा। उन्होंने मुझे उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। मैं सर के बल गिर गया, मेरे सर से खून निकलना शुरू हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे इस हालत में देख वो पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, चल अब तुझे पीटर से मिलवाती हूँ, कई सालों से वो अकेला ही उस बोरवेल में कैद है, अब तुम भी उसके साथ वहीं रहना। उन्होंने मुझे उठाया और बोरवेल के पास ले गया। वो भूतिया बोरवेल वहीं पर था। पीटर उस बोरवेल के पास ही खड़ा था। उन्होंने मुझे उठाया और मुझे बोरवेल के अंदर धकेलने लगी, लेकिन मेरा शरीर बड़ा होने के कारण उसमें समा नहीं पा रहा था। तब उन्होंने जोर लगाना शुरू कर दिया कि तभी मेरे बाबा वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुझे ऐना आंटी के हाथों से छुड़ाया और ऐना आंटी को धक्का मारा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? बाबा मेरे गालों पर हल्के से थप्पड़ मारकर मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आधी खुली आंखों से देख पा रहा था। तभी मैंने देखा कि ऐना आंटी बाबा के पीछे खड़ी हुई है और उनके हाथ में गार्डन में पेड़ काटने के लिए रखी हुई कुल्हाड़ी है। बाबा पीछे देखो, मैं लड़खड़ाते हुए बोला कि तभी ऐना आंटी ने उनके पीठ में कुल्हाड़ी मारी। बाबा चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गए। ऐना आंटी ने कुल्हाड़ी बाजू में फेंकी और पागल की तरह बाबा की तरफ देख कर हंसने लगी। तेरा बेटा बिल्कुल इस पीटर की तरह मरेगा, क्योंकि उसने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा। क्या पीटर को तूने मारा था? हाँ, क्योंकि वो मुझे अपनी माँ कहने से मना कर रहा था, उसके माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ रहने से मना कर रहा था। मैंने उससे इतना प्यार दिया लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इसीलिए उस दोपहर जब उसकी माँ सो रही थी तब इसका सर दीवार पर पटक पटक कर इसे बेहोश कर दिया और बाद में इस बंद पड़े बोरवेल में फेंक दिया। लेकिन मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद इसकी आत्मा यहीं पर घूम रही है। वो अब ये मर जाने के बाद भी मैं इससे मिला करती हूँ, इसके लिए लजीज खाना बनाकर रात को खिलाती हूँ। अब तुम ये सच्चाई जानते हो तो तुम्हें मरना होगा, उन्होंने कहा और वो बाबा का गला घोटने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि ऐना आंटी ने पहले ही मेरी नानी और आई को मार डाला था और अब मेरे पापा को भी मारने वाली थी। मैंने पीटर की तरफ देखा तो वो भी ये सब देख कर दुखी लग रहा था। अचानक से वो काला धुआं बन गया और मुझ में समा गया।
मेरा शरीर अचानक से खड़ा हो गया, मानो कोई और इसे चला रहा हो। मैंने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और हेना आंटी के सर पे दे मारी। वैसे हेना आंटी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी और उन्होंने अपनी जान छोड़ दी। उसके बाद वो काला धुआं मेरे नाक से बाहर आया और बोरवेल में चला गया और बोरवेल जमीन के अंदर चला गया। मेरे पापा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और पुलिस को बुलाया। उस हादसे में मैंने मेरी आई और नानी को खो दिया। उसके बाद हमने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।